और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बड़े हो गए। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो देख के आप लोगों को बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। आज की वीडियो में रहने वाले हैं दो गेम प्ले जो कि हमेशा ही रहते हैं। अब भाइयों गेम प्ले शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक चीज कमेंट करके बताओ कि आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आप लोगों का रैंक और टियर क्या चल रहा है। और भाई अगर रैंक पुश करने में आप लोगों को कोई भी आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती अगरबत्ती आ रही हो तो भाई कमेंट करके बताया करो ना। आजकल ना ऐसा सीन हो गया है कि मेरे को वीडियो एडिट करने में जितना ज्यादा टाइम लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम मेरे को टाइटल सोचने में लग जाता है। फिर समझ में नहीं आ जाता क्या टाइटल लिखूं। फिर 10 घंटे के सोच विचार के बाद तुम्हारा भाई लिखता है हाउ टू गेट हाई प्लस इन सोलो। खैर अभी इसकी बात आगे करते हैं। अब देखो तुम्हारे भाई की लैंडिंग थोड़ी गलत हो गई थी। अब लैंडिंग गलत हो गई थी लेकिन कंपाउंड तो अपना है, बस देखो कैसे खाली करवाता हूं। One eternity later. मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए सो रहा हूँ बाय। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा मैंने इस चेक के अंदर कैंप डाल रखा है, तो देखो भैया बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि तुम्हारे भाई ने कैंप डाल रखा है। मैं खुद बता रहा हूँ भैया तुम्हारे भाई ने एकदम खुला कैंप डाल रखा है, एकदम ओपन कैंप। अब ये भैया जी अपने कैंप के पहले शिकारी बन जाते हैं। नहीं भाई शिकारी तो करने वाला होता है। अब देखो बहुत हो गया कैंप बाजी, अब तुम्हारे भाई को अपना रजिस्ट्री वाला घर खाली करवाना पड़ेगा। एक बंदा वहाँ पे अपना धौस बना के बैठा है। अब देखो जाता है तुम्हारा भाई अपना रजिस्ट्री वाला घर पूरा खाली करवाएगा, बस देखते जाओ कैसे खाली करवाते हैं। अब देखो तुम्हारा भाई धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है अपना घर खाली करवाने, लेकिन उससे पहले पेटी लूट लेनी चाहिए क्योंकि अगर पेटी बुरा मान गई ना उसके बगल में तुम्हारी पेटी भी बन सकती है। अब सामने की साइड एक कौए भाई साहब थे, मतलब कौए वाला सूट। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, खा 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 बोल रहा, खा खा सही से सुन रहे हो ना, खा बोला खा। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 4 किल हो जाते हैं। अभी देखो तुम्हारा भाई और कितने किल्स निकालने वाला है इवेंट पे। अब देखो तुम्हारा भाई किल्स अच्छे खासे निकाल लेता है। अब देखो भाई तुम लोगों को मैंने पिछले 7 से 8 दिन से जो भी गेम प्ले दिखाया है ना, सब में तुम्हारे भाई ने चिकन निकाला है। ज्यादातर किसी किसी दिन तो मैंने 2-2 चिकन वाले गेम प्ले दिखाए हैं, लेकिन आज तुम्हारा भाई चिकन वाला गेम प्ले नहीं लेके आया। अब देखो तुम्हारे भाई के ना टॉप 10 होने के बाद अंदर अलग ही चुल जाग जाती है, जिसकी वजह से मेरे चिकन मिस होते हैं आधे से ज्यादा। पहले तो तुम्हें ये चीज बता दूं, इसी वजह से तुम्हारे भाई के 77 मैच में सिर्फ 3 चिकन हुए थे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे भाई ने अपने अंदर चुल को थोड़ा कंट्रोल करा, चिकन निकाले, अच्छे खासे चिकन वाले गेम प्ले लाया। लेकिन अब तुम दोबारा से आदत डालो बिना चिकन के गेम प्ले देखने की, क्योंकि तुम्हारे भाई के जो अंदर चुल जागती है ना टॉप 10 होने के बाद, वो दोबारा जागने लग गई है। अब बस देखते जाओ दोनों गेम प्ले में तुम्हारा भाई क्या क्या हरकतें करके मरने वाला है। अब देखो ये भैया जी को तुम्हारे भाई ने इजिली किल कर दिया, अपने अच्छे खासे 5 किल हो जाते। थोड़ी देर के बाद अपने को एक और बंदे का साउंड आता उसी छत के ऊपर से, तो बस देखो अब ये वाला नेड अपना। अब बस भाई एक बार तुम इस बंदे का नाम पढ़ो, मतलब जिस बंदे को तुम्हारे भाई ने इस छत के ऊपर पहले निपटाया था ना, ये वही बंदा था। ये दोबारा वहीं पे आता है, इसके ऊपर एक नेड करता हूँ, ये तब भी नहीं जगह छोड़ता है। ऐसा क्या था भाई उस जगह में कि तू पहले भी वहीं पेटी बनवाई, दोबारा में भी वहीं पेटी बनवाई। अब इस बंदे को निपटा के हो जाते अपने अच्छे खासे 8 किल, और इवेंट पे तुम्हारा भाई 8 किल लेके आराम से निकल जाता है। तुम्हारा भाई ठेला नहीं था, ठीक है निकल गया था मैं यहाँ से। और थर्ड सर्कल में मैं जोन के अंदर अच्छी खासी पोजीशन पे आके बैठ जाता, और फोर्थ सर्कल तुम्हारे भाई को सीधा जोन के एज पे पहुंचा देता है। अब अपने पास अच्छे खासे किल्स थे तो तुम्हारा भाई यहीं पे होल्ड रखता है, और अब काफी देर यहीं पे होल्ड रखा था, एक भी रोटेशन नहीं आती। अब नेक्स्ट सर्कल भी बनने वाला था, उतने में एक बग्गी वाले भाई की रोटेशन आती है। अब ये वाला हग्गू स्प्रे देख लो बस। अब भाई ये वाला स्प्रे मैंने मेन आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि देख सकते हो थर्ड पार्टी में तुम्हारे भाई के ऊपर कहाँ कहाँ से स्प्रे पड़े हैं ना, मेरे को समझ में भी ना आया। मैं बस शांति से बैठ जाता हूँ कि अपना आराम से भाई बैठे रहो, जब जोन स्टार्ट होगा तब चलेंगे जोन कैश टू एच खेलेंगे आराम से। और देखो भाई अब इस सीजन को ना लगभग 1 महीना होने वाला है, लगभग हो ही गया समझो, तो अब आप लोगों को प्लस काफी कम मिलेगा और माइनस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और अब हैकर भी काफी ज्यादा आने लग गए हैं। तो अगर आप लोगों का कॉन्करर बहुत ज्यादा क्लोज है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल सेफ खेलना है। और आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही हो रैंक पुश में तो एक बार कमेंट करके बताना, तुम्हारे भाई उसी टॉपिक पे वीडियो लाएगा। अब नेक्स्ट सर्कल भी स्टार्ट होने वाला था, और जोन के बाहर वाला बंदा अपने ऊपर धीरे धीरे क्लोज इन करने लग जाता है। बस देखते जाओ इन भैया जी को तुम्हारा भाई कैसे निपटाता है।
अब भाई देख सकते हो सोलो में ना आप लोगों के ऊपर हर एक बंदा नजर बनाए रखा होता है, तो आप लोगों को एकदम फाइट लेते वक्त ना हर जगह का ध्यान रखना होता है। तुम्हारा भाई ऐसे ही ठेला है बहुत बार, और मेरा देखो बस चिकन भी ऐसे ही जाने वाला है उठपटांग हरकतों की वजह से। और देखो भाई ये वाली फाइट अगर तुम्हें अच्छी लगी हो चाहे बेकार लगी हो, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है। तुम्हारे भाई ने वजह दे दी। अब देखो सामने वाले बंदे से तुम्हारे भाई ने एक HP का भी डैमेज नहीं खाया है, वो तो ये पीछे वाले ने चुल कर दिया। अब देखो इससे भी तुम्हारा भाई बदला लेगा। अब इस बंदे ने इतनी देर से मेरे को जितना डैमेज नहीं दिया ना उससे ज़्यादा तुम्हारे भाई ने एक स्प्रे में डैमेज दे दिया। अब तुम्हारा भाई जा रहा था उस बंदे पे डायरेक्ट क्लोज इन करने, लेकिन जोन भी स्टार्ट होने वाला था, तो अपन चलते हैं सीधा नेक्स्ट सर्कल में। और देखो भाई वो स्प्रे चाहे तुम्हारा अच्छा हो चाहे बेकार हो, मेरे से तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को भी बस स्प्रे जरूर लेना, अगल बगल से जो भी रोटेशन जाती है उस पर स्प्रे जरूर लिया करो। एक आधा गलती से गोली लग जाए, चाहे गोली नहीं भी लगेगी तो वो बंदा तुम्हारी साइड नहीं आएगा अगर तुम लोग स्प्रे लेते हो तो। अब इन वाले भैया जी को भी तुम्हारे भाई ने इजिली उतार दिया था अपने अच्छे खासे 10 किल हो गए। तो अब मेरी ये नूब हरकतें देख रहे हो, मतलब जोन स्टार्ट हो चुका है, मेरे को अभी पता नहीं है। बस भाई इन्हीं चिलगोजों की बात कर रहा था मैं, जो मेरे अंदर टॉप 10 होने के बाद जाग जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे चिकन मिस होते हैं। अगर तुम्हारा भाई थोड़ा भी ध्यान रखे ना तो अपन आराम से चिकन निकाल सकते हैं, और मैंने निकाले भी लगातार, आप लोगों को दिखाए भी थे। अब बस ये हरकतों की वजह से चिकन मिस हो जाते हैं मेरे। रे जोनाथन भैया अब क्या करोगे वेपन को, जब वेपन थी तब तो मेरे पे मारा नहीं गया, अब क्या करूं मैं वेपन का, प्लस देख लो अब बस इस वाले मैच का। अब देखो भाई बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में काफी सारे यूट्यूबर्स थे, इस वजह से तुम्हारे भाई ने अपना रजिस्ट्री वाला घर भी बदल दिया, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे अपने को निपटाने के लिए वहीं पे आएंगे जरूर। और जैसी मेरी किस्मत है ना सामने वाले को गन मिल जाएगी, मेरे को मिलेगी नहीं, फिर भगा भगा के मारा जाऊंगा, किसी और का कंटेंट बन जाऊंगा। अब ये होते हैं अपने चीता भाई साहब, और तुम्हारा भाई ऑल पे चिल्ला रहा है चीता भाई रुक जाओ मैं हूँ पहचान गया हूँ मैं, मतलब फायर नहीं कर रहा, ये भैया जी लगे पड़े फायर करने में। अब तुम्हारा भाई फाइट इसलिए नहीं लेता कि एक या तो मैं निपटूंगा या वो निपटेंगे, और जो भी निपटेगा उसका गेम प्ले बेकार हो जाएगा। तो भाई अपना अपना खेलो जाके, वो अपना अलग निकल जाते, मैं अपना अलग निकल जाता हूँ फाइट लेने। तो अब बस देखते जाओ भाई तुम्हारा भाई टोटल कितने किल्स निकालने वाला है इवेंट पर। मेन ना किल्स कितने निकालता वो मत देखो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा भाई फाइट कैसे निकालता वो देखना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतनी अच्छी अच्छी फाइट्स निकाली है। बस एंड में देखो फिर नूब हरकतें करके चिकन खोएगा तुम्हारा भाई। अब देखो इस वाली फाइट के लिए भी लाइक कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इवेंट में पहली फाइट ही शॉटगन वाले बंदे से निकाली है। मतलब भाई साहब शॉटगन वाले बंदे को मैंने मार दिया ना, मतलब इससे ज्यादा तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अब तुम्हारा भाई पेटी वेटी लूट ही रहा था कि सामने की साइड को फाइट वाइट चल रही थी, तो सामने की साइड चलते और बंदों से फाइट लेने, बस देखते जाओ और कितने किल्स निकालेगा तुम्हारा भाई। अब देख सकते हो भाई वो बंदा बिल्कुल वहीं पे था, बस तुम्हारे भाई का नेट थोड़ा सा बाहर की साइड को रह गया, लड़के बाहर को आ गया, वरना ये बंदा आराम से फूट जाता, बाकी बाद में तो ये भाई सब निकल ही गए थे वहां से। अब देखो ये वाली फाइट भी तुम्हारे भाई ने ठीक ठाक तरीके से निकाली ली थी, हो गए थे अपने टोटल 2 किल। अब इसके बाद एक और बंदे का पुश आता, अब ये वाली फाइट देखो बस। अब इन भैया जी को भी तुम्हारा भाई इजिली निपटा देता है, अपने हो गए थे टोटल 3 किल। अभी बस देखते जाओ तुम्हारा भाई और कितने किल्स निकालेगा। अब इन बॉट भैया जी को निपटा के हो जाते अपने अच्छे खासे 4 किल। उसके बाद इस बार तुम्हारा भाई उल्टा चक्कर मारता है, मतलब हर बार मैं उधर से इधर को आता हूँ, इस बार तुम्हारा भाई इधर से अपने रजिस्ट्री वाले घर पे जा रहा था फाइट लेने। अब बस देखो अपने साथ क्या ही सीन होने वाला है।
अब ये स्कारल का जो ही स्प्रे पड़ा है ना, तुम्हारा भाई 1 HP हो जाता है। मैं आके यहाँ पे फर्स्ट एड लगा ही रहा था, तभी मुझे लेफ्ट साइड में एक बंदा स्पॉट होता है। देखो आप लोगों को भी स्पॉट हो गया होगा। मैं यहाँ से बस हट ही रहा था, मुझे लगा जब तक फर्स्ट एड लग जाएगी वो फायर लेगा तब तक मैं हट जाऊंगा, लेकिन भाई साहब 1 HP थी, उसने एक गोली मारी, अपना खेल खत्म। अब अपने ठीक ठाक से 4 kill तो हो रखे थे। उसके बाद तुम्हारा भाई पेट्रोल पंप पे आके आराम से होल्ड कर लेता है, क्योंकि ये वाला जो पूरा जोन है ना वो जा रहा था मिलिट्री बेस का, तो अपने को एकदम 10 circle में रोटेशन लेनी पड़ेगी। तो अपन आराम से यहाँ पे होल्ड रखते हैं और यहाँ पे आती है पहली रोटेशन। अब यहाँ पर घंटों होल्ड करने के बाद आती है पहली रोटेशन, जो कि होते हैं अपने ही सब्सक्राइबर भाई, मतलब यार ये भैया जी यहाँ से जा रहे थे और तुम्हारे भाई का वैसे स्प्रे ना लगता और यहाँ पे गलती से लग जाता। और बॉटल भाई होल्ड कर रहे थे अपना ब्रिज पे, ब्रिज कैम कर रखा था उनने, और बस अब ये देखना बॉटल भाई क्या हरकत करने वाले हैं। अब जोन पूरा मिलिट्री बेस की साइड का, और बॉटल भाई साहब पता नहीं क्यों उल्टा आ रहे थे यहाँ पे। अब तुम्हारा भाई देखता है कि मतलब बॉटल भाई ये कर क्या रहे थे, उल्टी साइड को काहे आ रहे थे। अब तुम्हारे भाई ने उतार दिया इनको भी इजिली। अब दोबारा अपनी इमोट परिक्रिया और ये उठक बैठक चालू करते हैं, इनको भी सॉरी बोलते हैं कि भैया गलती हो गई, उतार दिया गलती से। अब अपने अच्छे खासे 6 kill हो चुके थे। उसके बाद तुम्हारा भाई ब्रिज क्रॉस करके आराम से आ जाता है जोन में, और अपन देख रहे हो एकदम 10 circle में जोन में पहुंचे। तुम्हारे भाई की हेल्थ इतनी ज्यादा जल्दी जा रही थी ना, फर्स्ट एड लगाते लगाते पहुंचा मैं जैसे तैसे जोन में। बाकी जोन में जाके तुम्हारा भाई देखो इस वाले मैच में भी अच्छा खासा आगे निकाल सकता था, लेकिन वही है ना चूल है मेरे अंदर। अब नेक्स्ट सर्कल के जोन के एज पे आके तुम्हारा भाई आराम से यहाँ पे होल्ड कर लेता है, तभी सामने से अपने को एक बग्गी वाले बंदे का साउंड आता है। अब यार तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतने बढ़िया नेट दिखा दिए, कार स्प्रे दिखा दिए, क्लोज रेंज फाइट दिखा दी, अपनी चुल दिखा दी कि तुम्हारा भाई कैसे चिकन खोता है, लेकिन तुम लोग यार फिर भी लाइक ना कर रहे। यार लाइक वाइक कर दिया करो, तुम्हारे भाई को भी मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब लाइक नहीं आते, तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो अच्छे से। अब देखो इस वाले मैच में भी तुम्हारे भाई ने अच्छे खासे 7 kill निकाल लिए थे, अब अच्छा खासा सर्वाइवल चल रहा था, लेकिन मेरे में चुल है ना। अब यहाँ पे जाके देखो कैसे ओम का टीका लगवाते अपने सर पे। अब चीता भाई अपने को निपटा देते हैं। बाकी देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस मैच के बाद अपना एज डोमिनेटर भी हो गया था, और इस सीजन तुम्हारा भाई वैसे कॉन्करर लगा चुका है, लेकिन अपना दोबारा कॉन्करर होने वाला है, आप लोग मेरी रैंक भी देख सकते हो।